अब आइए मजा करते हैं हम लोग। अब ये सब चीज तो आपके आपके घर में आपका जमीन होगा, कुछ आपका घर होगा वो कितने स्क्वायर फुट में होगा पता होगा आपको कि मेरा घर 600 स्क्वायर फुट में है, ऐसे आप बात करते हैं। आपके आपका जमीन होगा जहाँ घर आपका गांव में जमीन होगा कितना कट्ठा कितना एकड़ ऐसे जमीन होगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है समझना, ये पहले के जो लोग हमारे दादाजी लोग होते थे वो बहुत आसानी से ये सारे चीज बता लेते थे। लेकिन आज के जेनरेशन के लोग तो आज के क्या है, खुद हम लोग भी ये कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं रहता है हम लोग को। तो हम तो ये सीखे बाद में, पढ़ने लगे 11th 12th में तब मुझे समझ में आया। ये तो पहले तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता था कि ये कट्ठा बीघा क्या होता है, लेकिन गांव के लोग ये सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। तो आपको भी सीखना जरूरी है, सब आइए सिखाते हैं आपको हम। ये 1 कट्ठा कितने को बोलते हैं, 126.5 मीटर स्क्वायर को बोलते हैं। ये 126.5 मीटर स्क्वायर कितना हो? तो अभी जिस रूम में मैं क्लास ले रहा हूँ उस रूम का इधर से इधर जो लंबाई है, इधर से इधर मैंने अभी देखा तो वो आया इधर से इधर, देखिए इतना 1 मीटर लगभग होता है इतना। तो ऐसे ऐसे करके मेरा इधर से 3 मीटर लगभग आया, यहाँ से मैंने मेजर किया 1, फिर यहाँ किया 2, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से यहाँ शुरू करना है इधर 3, और 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, 3 से थोड़ा ज्यादा मतलब यहाँ से लेकर और आपका हाथ जितना लंबा जा रहा है उधर वो 1 मीटर लगभग है, ये ऐसे 1 मीटर है ठीक। तो ऐसे ऐसे करके मेरा रूम इधर से 3 लगभग आ रहा है और इधर से 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है और इधर से भी उतना ही है लगभग, तो 9 मानकर चल रहे हैं। तो आपको पता है ना कि स्क्वायर का या रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, L × B से। तो 3 L और B बराबर है यहाँ, तो 3 × 3 9, मतलब मेरा रूम ये जो है वो 9 मीटर स्क्वायर का है। कितने का है, 9 मीटर स्क्वायर, 9 मीटर स्क्वायर का लगभग मेरा रूम है। इसको 10 मान ले क्या, इजी कैलकुलेशन किए तो 10 मीटर स्क्वायर का एक रूम होता है। आप जिस रूम में अभी पढ़ाई कर रहे हैं या मोबाइल मूवी जो भी देख रहे होंगे वो अपने रूम में, आप समझिए कि वो 10 मीटर स्क्वायर का है। तो ये 126.5 है, तो इसको 10 से डिवाइड करिए तो कितना रूम इसमें आ जाएगा, 10 से डिवाइड किए तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 12.6, मतलब 12 13 मान के चल लीजिए। तो 13 रूम, आपका रूम 1 2 3 4 5 6 ऐसे 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 कर लीजिए, 13 रूम, 13 रूम मिलाकर जितना एरिया आएगा उतने एरिया को 1 कट्ठा बोला जाता है। 1 कट्ठा आपसे समझ लेंगे कि नहीं, 1 कट्ठा जमीन कितना होता होगा, 1 कट्ठा जमीन में कितना रूम बन जाएगा, तो लगभग 13 रूम बन जाएंगे। जो आप टेंडर होता है रूम लगभग वो 13 रूम बन जाएगा 1 कट्ठा जमीन में। अब 1 कट्ठा में डिसमिल ऐसे बोला जाता है, डेसिमल होता है ऐसे कोलोकियल भाषा में, इसको आम बोलचाल की भाषा में डिसमिल भी बोलते हैं हम लोग। तो डेसिमल ये 1 कट्ठा में 4 डेसिमल होता है। अब 4 ये कैसे हो गया, तो कितना रूम बनेगा आप समझिए, रूम कितना ऐसा ऐसा बनेगा बताइए। तो 1 कट्ठा में कितना रूम बना था, 30 कट्ठा मिलाकर 1 बीघा होगा। 1 बीघा में कौन घर बनाता है, कोई नहीं बनाएगा घर इतना, 20 20 कट्ठा। 1 कट्ठा में तो 13 घर बन गया था, 13 कमरा बन गया था, तो 20 कट्ठा में कितना ज्यादा कमरा बन गया, तो इसमें कितना घर बन जाएगा। 13 × इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 × 26 जीरो, 260 रूम बनाएगा। इतना रूम को क्या करना है, 260 रूम को ठीक। तो 1 बीघा कितना हो जाएगा, 20 कट्ठा के बराबर हो जाएगा। वैसे ही 1 एकड़ कितना हो जाएगा, 32 कट्ठा, 32 कट्ठा हो जाएगा। कितना एकड़ जमीन है आपका, आज पापा से पूछेगा आपने जाकर कितना एकड़ जमीन है राइट, और इसको मैच कीजिएगा कि कितना उसमें रूम आप बना सकते हैं। अगर जितना भी आपका जमीन है सारे जमीन में आप बिल्डिंग बना दें तो उसमें ग्राउंड फ्लोर पे कितने सारे रूम होंगे, आप ट्राई कीजिएगा निकालने के लिए, आपका जितना भी जमीन होगा गाँव में। अब ये सब तो लेंथ की बातें हो गई, लेंथ और एरिया की बातें हो गई। अब मास के बारे में बात करें तो मास से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि आपका अगर गांव में खेत होगा तो उसमें धान चावल ये, तो उसमें आप धान गेहूं आलू ये सब उगाते होंगे। तो 1 साल में कितना धान होता होगा उसको सब क्विंटल में मेजर करते हैं। तो 100 kg, केजी तो सबको पता है ना कि केजी कितना होता है, अंदाजा आप लगा लेते हैं केजी कितना होता है। तो 100 kg को 1 क्विंटल बोला जाता है, 1000 kg को 1 टन बोला जाता है, और ये पाउंड जो होता है वो 450 किलोग्राम को आधे केजी से थोड़ा सा कम है उसको 1 पाउंड बोला जाता है। तो 1 पाउंड आधे केजी से थोड़ा सा कम होता है, तो 1 पाउंड हाफ केजी से थोड़ा कम होता है। तो आप समझिए ना क्विंटल टन, क्विंटल टन में कौन ज्यादा है,
क्विंटल तो 100 केजी है, टन तो 1000 केजी है ना। चीजों को एक बार मैं इस बोर्ड के सामने सहज जा रहा हूँ, पूरे इन चीजों को आप लिख लें और ध्यान से इन चीजों को सोचें कभी बैठ के।